और तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते रहे लेकिन किसी की आवाज नहीं निकली, चुप्पी कभी नहीं टूटी, सन्नाटा बस बढ़ता चला गया और ये सन्नाटा आज बोल रहा है अजीज खान साहब, सन्नाटा आज बोल रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में कानपुर के रायट करने वाले, अगर प्रयागराज में रायट करने वालों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चले तो क्या कहा गया, इस्लामोफोबिया हो गया है योगी आदित्यनाथ जी को। लेकिन आज जब एक विशेष समुदाय के बुलडोजर, अवैध बुलडोजर थे, अवैध बुलडोजर हिंदुओं के घरों पे चले तो आपको कौन सा फोबिया नजर आता है? यहां पर हिंदू फोबिया का कभी जिक्र नहीं हुआ। मैं पूछना चाह रही हूं, इतनी किसी की हिम्मत हो गई कि वो बुलडोजर लेकर रौंदते चले गए 50 परिवारों के घर, रौंदते चले गए उनके मंदिर, लेकिन कोई बचाने को नहीं आया। अंकिता जैसी लड़की बेचारी बच्ची अपने घर में पलंग पर पड़ी है और उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया, उसे जला दिया गया घर में। कहां से आ रही थी इतनी हिम्मत अगर शासन से नहीं आ रही थी? मैं पूछूंगी, इस फोबिया को आप क्या कहेंगे डॉक्टर अजीज खान साहब? देखिए नाविका जी, बुलडोजर किसी भी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अगर चलता है तो बिल्कुल गलत है और नहीं चलना चाहिए। जो कुछ हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि आज जो मौके पर शासन सत्ता में सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी है वो सपा से तो व्यक्तिगत दुश्मनी करती है, कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कर रही है कोई बात नहीं, क्योंकि उसका चाल चरित्र और चेहरा है, लेकिन सपा की आड़ में आज गरीबों का किस तरीके से आसियाना उजाड़ा गया। जो लोग रोजी रोटी के लिए कमाते खाते थे, झंडा बैनर बेचते थे, आज देखिए किस तरीके से उनके उनके चमन को कैसे उजाड़ दिया गया। लोग सड़कों पर आ गए, मुसीबत में आ गए, लेकिन वही सरकार आप देखिए बीजेपी की जो कार्यालय है उसके आसपास जो झंडे बैनर बिक रहे हैं वहां पर देखिए किस तरीके से परसे दिया गया, किस तरीके से वहां पर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, वहां पर झंडे बैनर नहीं उजाड़े गए। आज दुख की बात इस बात की है कि आज जो पार्टी शासन सत्ता में उत्तर प्रदेश में बैठी है वो बुलडोजर को उसने हथियार बना लिया है, वो अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, वो राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए नहीं इस्तेमाल कर रही है। इसलिए दुख इस बात का है कि ऐसी कार्रवाई बेहद निंदनीय है, आज उत्तर प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बाकी जो भी कार्रवाई दूसरे प्रदेशों में हो रहा है बुलडोजर गलत है, कोई भी किसी भी निर्दोष शख्स के ऊपर अगर बुलडोजर चलता है उसकी हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है।